आज बहुत ही रोमांटिक बात कर रहे हो। हाँ, मेरी एक बात सुनो। आज ना, हाँ प्रिया बोलो, आप कब तक आएंगे? अरे जान, आना तो मैं भी चाहता था आज जल्दी, लेकिन बॉस ने दूसरी फाइल दे दी है। अरे यार, अशोक की फाइल दे दी है, पता नहीं उसे किस चीज की सैलरी दे रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ, अभी पापा का फोन आ रहा है। ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, पापा का फोन आ रहा है, ठीक है, बाय। ओके ओके ओके, बाय बाय। ये कोई टाइम है फोन करने का? पापा का फोन बोलकर मैंने विपिन का फोन कट कर दिया। प्रिया वो सब छोड़ो ना, तुम्हें पता है मेरी जब भी तुमसे बात होती है तो मुझे एक ही गाना याद आता है, पता है वो गाना कौन सा है? ओ प्रिया प्रिया, तुम सा नहीं कोई प्रिया। आज बहुत ही रोमांटिक बात कर रहे हो। हाँ, मेरी एक बात सुनो। आज ना तो शाम तक घर आने वाले, मैं सोच रही थी कि फोन पे तो बहुत बातें हो चुकी है हमारी, कि ना आमने सामने बैठ के बात करें। मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट तैयार होता हूँ और आता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, जल्दी आना, पहले की तरह लाल फिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? अरे नहीं नहीं नहीं, आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं टाइम से आ जाऊं। मैं इंतजार कर रही हूँ। आ जाओ। जल्दी कैसे? वो एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ही तुम्हारा फोन करा, उसके 5 मिनट बाद मैं वहां से फ्री हो गया और सीधा अपनी प्रिया के पास आ गया। पर सोचा रात का खाना साथ में खाते हैं। पर तुम तो सरप्राइज। पता है प्रिया, मैं ये पल मिस नहीं करना चाहता था। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं कॉफी लेके आती हूँ आपके लिए। अरे सुनो तो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, अपनी आंखें बंद करो। बंद करो ना बाबा। खोलो प्रिया। थैंक यू। अरे तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे बताइए, आप कॉफी लेंगे, आप चाय लेंगे? जो मेरी जान की मर्जी। मैं चाय लेके आती हूँ। आज तो हुजूर कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हैं, सब ठीक तो? हाँ हाँ सब ठीक है, आप उधर बैठिए ना, मैं चाय लेके आती हूँ। उनको भी आज ही जल्दी आना था, उसे सर पे खड़े हैं मेरे। अमित को फोन करूँ तो कैसे करूँ? सोच रहा हूँ तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। नहीं, वो एक काम था। हाँ? वो अदरक खत्म हो गई है, आप बाजार से अदरक लेके आ सकते हैं? अदरक? हाँ वो, हाँ हाँ। तुम चाय रखो, रखो मैं अदरक ले आता हूँ। हाँ हाँ मैं चाय रखती हूँ, आप अदरक लेके आइए। किसी जाके अमित को फोन करती हूँ।
कुछ तो बन रहा है अंदर है घर में। मेरे स्वागत में थैंक यू। यहाँ से जल्दी जाओ। क्यों? अच्छा वो विपिन बाबू तुम बस अरे मिले थे नीचे नीचे मिले थे विपिन बाबू। भागो यहाँ से। अरे भाई क्यों आज एक काम करते हैं सच्चाई को सामने लेके ही आते हैं विपिन बाबू। क्या मतलब तुम्हारा? अरे मतलब आज दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देते हैं। अमित बस हमारी बात छोड़ दे प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। जस्ट रिलैक्स तुम तो बस शांति के साथ में बैठ के तमाशा देखो। भागो यहाँ से। लो आ गए विपिन बाबू आ गए और विपिन बाबू का स्वागत करो। चलो स्वागत करो। अदरक ले आया? अदरक तो था घर में। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने कोई झूठ नहीं। कौन है अंदर? कोई भी तो नहीं है अंदर। मैं तुम्हें अदरक हटाते हुए देखा था और जैसे ही वो मुझसे नीचे टकराया मुझे शक हो गया। कहाँ है तुम्हारा आशिक? अरे कहाँ है तुम्हारा आशिक? कहाँ छुपा है? हाँ निकल साला बाहर। कहाँ छुपा है? यहाँ भी नहीं कहाँ हो सकता है। बाहर निकल साले बाहर। हाँ निकल। कहाँ छुपा है? कहाँ छुपा रखा है उसको? हाँ कहाँ छुपा रखा है? कहाँ छुपा रखा है उसको? हम यहाँ आए विपिन बाबू। विपिन बाबू आप तो बड़े ही पाकसाफ और ईमानदार बन रहे। अभी तू है कौन और क्या बोल रहा है? मैं कौन हूँ? अभी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। शीतल को जानते हैं? शीतल? कौन शीतल? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रहे हैं आप विपिन बाबू। आप शीतल को नहीं जानते? आप शीतल को कॉल करके परेशान करते हैं जबकि आपकी बीवी है तब भी। कौन शीतल? मेरी बहन शीतल। ये झूठ बोलते हैं उससे। ये नहीं बताते कि ये शादीशुदा है। विपिन? अरे प्रिया पता नहीं क्या बोल रहा है मेरा यकीन करो। अरे पूरा घर इनकी हरकतों से परेशान है। अरे प्रिया ये झूठ बोल रहा है मेरा यकीन करो। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं जो शीतल ने मुझे दी। सुनो। अरे शीतल मान जाओ यार मैं सच कह रहा हूं मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं प्रिया से बोर हो गया हूं। जब मुझे कोई काम नहीं रहता तब भी मैं प्रिया से बोलता हूँ कि जान आज देर से आऊँगा बहुत काम है। तुम्हें एक दिलचस्प बात बताऊँ? जान बोल देने से पत्नियाँ कभी शक नहीं करती। रही प्यार की बात तो प्यार तो मैं अपनी शीतल से ही करता हूँ। प्यार? और आप? अरे घंटा प्यार करते हैं आप। जब आप अपनी बीवी से प्यार नहीं कर सकते तो किसी और से क्या प्यार करेंगे? मैंने आपको क्या समझा था और अब क्या निकले? अरे ये मैं नहीं हूं प्रिया मेरा यकीन करो। बस विपिन बस अब और नहीं। तुम मेरी पीठ पीछे ये सब। एक मिनट प्रिया क्या बोला तुमने अभी कि विपिन बाबू आपकी पीठ पीछे ये सब कर रहे थे? अरे अगर विपिन बाबू आपकी पीठ पीछे ये सब कर रहे थे तो आप क्या कर रही हैं प्रिया? क्या कर रही हैं प्रिया? आप भी तो वही कर रही हैं जो विपिन बाबू कर रहे हैं। देखिए विपिन बाबू जब आपकी बीवी है तो आप उसको जी भर का प्यार कीजिए ना। अरे मैंने कभी प्रिया को लेके गलत नहीं सोचा।
पर ये सब तो मैंने आप लोगों की आंखें खोलने के लिए किया था। आपको पता है विपिन बाबू, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मासूम लोगों को ऐसे ही मीठी मीठी बातों में फंसाते, 2-3 महीने वो उनसे मीठी मीठी बातें करके उनका विश्वास जीत लेते, और जब सच्चाई सामने आती है तब तक वो उनका विश्वास जीत चुके होते हैं। अब एक बात बताओ कि इस हालत में लड़की या लड़का कहां जाते हैं, पता है आपको? मीठी मीठी बातें करके आप उन्हें सपने तो दिखा देते हैं, पर जिसका सपना टूटता है ना उसे बड़ी तकलीफ होती है। अगर मेरी बहन ने कुछ कर लिया विपिन बाबू, तो आप कुछ कर पाएंगे? किसी की बहन बेटी के पीछे 6 महीने देने से अच्छा है कि आप अपने परिवार को 6 घंटे दे दें, वो भी ईमानदारी से, तो हो सकता है कि आपका घर भी बच जाए और सामने वाले का। मैं तो अपनी बहन प्रिया को समझा लूंगा, बस आप दोनों भी एक दूसरे को समझ लीजिए।